एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वादा टेस्ट में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते और उसका करी, यानी कि लौकी कोफ्ता करी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लौकी इतनी पसंद नहीं आती, काफी फीकी फीकी लगती है। तो आज इस रेसिपी में हम लोग लौकी में भरेंगे ढेर सारा स्वाद और परफेक्ट लौकी के कोफ्ते हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम लौकी। मैंने यहाँ पे राउंड शेप्ड लौकी लिया है, आपके पास लंबे वाले हैं तो उसको आप ले सकते हैं। और अभी इसको हम लोग छील लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पीलर ले लिया है और पूरी तरह से अच्छे तरीके से हम लोग इसे छील लेंगे। इस रेसिपी के लिए जो लौकी हम लोग लेंगे वो ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अगर ये नरम होगा तो फिर हमें ग्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा और उससे ज्यादा पानी भी निकलेगा। अभी क्या करेंगे ना, हम लोग इसके दोनों एंड्स को काट लेंगे। इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे फोर पार्ट्स में हम लोग इसे काट लेंगे ताकि हम लोग को होल्ड करने में इजी हो, ग्रेट करने में इजी हो। आप देख सकते हैं ये काफी हार्ड है, तो इससे लौकी के कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से हमें लौकी चूज करना है लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए। अगर आपका लौकी काफी नरम है तो बीच का जो हिस्सा है उसको आप काट के निकाल दें, जो साइड्स के हैं उसको आप ग्रेट करके लौकी के कोफ्ते बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है, जो बड़े साइज के जो ग्रेटर है वो साइड से मैं इसको ग्रेट करूंगी इस तरीके से। लौकी में सबसे ज़्यादा पानी होता है, जब हम इसे ग्रेट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। हमें क्या करना है इस रेसिपी के लिए, हमें लौकी में जितने पानी है उसको निचोड़ के निकालना है, मतलब कि जो इसके रेसे हैं हमें सिर्फ वही चाहिए। यहाँ पे मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है, अभी इसमें जितना पानी है उसको निचोड़ के निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर लिया है। अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ है तो कपड़े की मदद से भी आप इसको निचोड़ के निकाल सकते हैं। मैं ऐसे ही हाथों से दबा दबा कर जितने भी पानी है, एक्सेस वाटर है, उसको मैं अलग कर रही हूँ। हमें पानी को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ के निकाल लेना है, क्योंकि जब हम इसमें स्पाइसेस को ऐड करेंगे तो वो अच्छे से इसमें स्टिक होके रहे और अच्छे से वो सेब को होल्ड करे ताकि हम इजीली इसमें कोफ्ते बना सके। अगर इसमें ज्यादा पानी रह जाएगा तो वो सेफ होल्ड नहीं करेगा, हम लोग कोफ्ते नहीं बना सकेंगे इसमें। लास्ट में स्ट्रेनर में थोड़े से रह गए, उसको भी हम लोग निचोड़ के निकाल लेंगे। तो मैंने लौकी में पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। अभी आप देख सकते हैं लौकी का पानी यहाँ पे है। अभी इसको हम लोग को फेंकना नहीं है, इसको बाद में हम लोग ग्रेवी में यूज करेंगे, तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे। लौकी के जो रेसे है वो हमें मिल चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, और सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे कटे हुए हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च लिया है, अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खानी है तो उसे ज्यादा ले सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। और उसके बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा का पाउडर एक छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच और धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच और कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते लगभग 2 बड़े चम्मच। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेसन 4 बड़े चम्मच। पहले हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगा बाद में तो इसमें और बेसन हमें ऐड करना पड़ेगा। पहले मैं 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ और सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही ऐड करेंगे। इसका मतलब हमें उतना बेसन ऐड करना है जितने में ये लौकी के जो रेसे हैं वो सेप होल्ड करे, राउंड सेप होल्ड करे, क्योंकि ज़्यादा बेसन ऐड करने से ये पकौड़े बन जाएंगे, कोफ्ते नहीं बनेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वेजिटेबल ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मैंने और एक बड़ा चम्मच बेसन इसमें ऐड किया है। उससे ज़्यादा हम लोग और ऐड नहीं करेंगे बेसन, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसके कंसिस्टेंसी हम लोग चेक कर लेंगे। मतलब कि मैंने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। अभी मैं कोफ्ते बनाने की कोशिश करूँगी। देखिए अच्छे से सेफ होल्ड हो रहा है, ये परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया है, जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तब इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच घी, इससे कोफ्ते काफी सॉफ्ट बनेंगे। इसको भी हम लोग अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग साइड में रख देंगे। अभी इसको फ्राई करने के लिए हम लोग तेल को गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं ले रही हूँ तेल फ्राई करने के लिए। जब तक ये तेल गरम हो रहा है तब तक हम लोग लौकी में नमक ऐड करेंगे। हम लोगों ने पहले नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक ऐड करते ही लौकी से पानी निकलना शुरू होगा और हम लोग का लौकी के कोफ्ता हम लोग का बनेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस लौकी में मैंने 1 छोटा
छोटा चम्मच नमक डाला है और इसको मिक्स करूंगी और उसके बाद जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करना शुरू करूंगी, क्योंकि अगर हमने इसको रख दिया तो इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें से हम लोग लौकी के कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। आपके पसंद के हिसाब से आप बड़े या छोटे कोफ्ते बना सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज के कोफ्ते बना रही हूँ। तेल हम लोग का गर्म हो चुका है, अभी सारे कोफ्तों को हम लोग फ्राई करना शुरू करेंगे इस तरीके से। और हमें जो है तेल को पहले हाई हीट में अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाए और ऊपर से गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है, क्योंकि लो फ्लेम में पकाएंगे तो ये ज़्यादा तेल पी लेगी, अगर हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे तो फिर बीच में कच्चा रह जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लौकी के कोफ्ते दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन दिख रहा है ऊपर से, तो हम लोग का लौकी के कोफ्ते तैयार है। अभी इसको हम लोग तेल से निकाल लेंगे और बाकी के जो कोफ्ते हैं उसको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे लौकी के कोफ्तों को फ्राई करके तैयार कर लिया है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसको अभी मैं प्लेट में रख लूँगी ताकि इससे हम लोग करी बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि लौकी के कोफ्ते हम लोग का बनके तैयार हो चुका है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। लेकिन अंदर का टेक्सचर कैसा है मैं आपको दिखा लेती हूँ, काट के एक ठो दिखा लेती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे काट रही हूँ बहुत आसानी से कट हो रहा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। और अंदर से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हवा भी है और काफ़ी सॉफ्ट है, जिससे कि ये ग्रेवी को बहुत अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर सकता है। और हम लोग का जो कोफ्ता है बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉर्ब करे। तो अभी हम लोग चलेंगे ग्रेवी बनाने की तरफ, यानी कि कोफ्ता का करी बनाने की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और उसमें लिया है 6 बड़े चम्मच तेल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। और अभी हम लोग तेल को गर्म कर लेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और जैसे जीरा क्रैकल होना शुरू करे तो उसमें हम लोग डालेंगे अनियन पेस्ट। मैंने इसको 2 मीडियम साइज़ के प्याज से बनाया है, अभी इसको अच्छे से भून लेंगे। लगभग हमें इसे 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च लिया है। अभी हमें अच्छे तरीके से अनियन पेस्ट को भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। करी में अनियन पेस्ट को यूज़ करने से एक मिठास भी आता है और कलर भी करी का बहुत अच्छा आता है और करी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम लोग का अनियन पेस्ट ब्राउन हो चुका है। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और इसको भी थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है। थोड़ा देर भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक चुका है, इसका जो कच्चापन है वो भी जा चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे टमेटो प्यूरे। इसको मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर से इसको बनाया है, इसको अच्छे से पीस लिया है, यानी कि हमें जो ग्रेवी है इसको थोड़ा सा खट्टा बनाना है। तो अभी क्या करेंगे, टमाटो प्यूरी को अनियन पेस्ट और अदरक लहसुन का मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर के डालने के बाद इसमें जाएगा नमक, मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हम लोग टमाटर में नमक डालेंगे, टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है, गल जाता है। अभी नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम लोग डालेंगे हल्दी 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटा चम्मच। और इन सारे स्पाइसेस को हम लोग टमाटो प्यूरी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको थोड़े देर के लिए हमें कुक करना है। थोड़े देर इसको भुनने के बाद हमें मसालों को अच्छे से कुक करना है, इसके लिए हमें कवर करके इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। कवर करके पकाने से कुकिंग जो है बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए बीच बीच में हमें कवर करके इसको कुक करना है। 5 मिनट इसे लो फ्लेम में कुक करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट तक हमें बीच बीच में ऐसे ही फ्राई करते हुए इसे पकाना है, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए, जितने भी स्पाइसेस है वो अच्छे से पक जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे लौकी का पानी, यानी कि लौकी का जूस जो हमने पहले से निकाल के रखा था, अभी इसमें ऐड कर लेंगे। इसे
करी में ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग पकाएंगे ताकि ग्रेवी में वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और इसके लिए हम लोग इसको कवर करके 2 मिनट तक लो फ्लेम में इसको कुक करेंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद हम लोग का जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं और थोड़े से सूख गए, थोड़े से ड्राई हो गए हैं। तो अभी हम लोग का जो ग्रेवी है उसको एडजस्ट करना है, उसका कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। उसके लिए मैंने 1 कप पानी यहाँ पर मिलाया है। पानी को इसमें मिक्स कर लेना है और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। लौकी के कोफ्ते का करी में हमें थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए क्योंकि लौकी के जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेवी को अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें इसे पकाते जाना है और ग्रेवी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए जाना है। करी में उबाल आ चुका है और ग्रेवी अच्छे से पक चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा और ग्रेवी चाहिए। तो इसका कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी और डाला है। इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल आ जाए। और इसमें उबाल आ चुका है, फ्लेम को लो में रख देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच दही, क्योंकि अगर हम लोग हाई फ्लेम में दही को ऐड करेंगे तो हो सकता है दही फट सकता है, इसीलिए दही को डालते हैं। उसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा देर के लिए हमें पकाना है। थोड़ा देर के लिए हमें इसे एक उबाल आने तक इसे पकाना है। उबाल इसमें आ चुका है और उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़े से कटे हुए अदरक। इसको मैंने स्लाइस में लंबे लंबे पतले पतले काट लिए हैं, इससे भी ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा देर के लिए हमें अदरक को पका लेना है। ग्रेवी हम लोग का तैयार है। उसके बाद इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। हम लोग का जो ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसका, थोड़ा सा पानी वाला कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ताकि जो कोफ्ते हैं ग्रेवी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। अगर ग्रेवी बहुत थिक होगा तो फिर बहुत ही सूखे सूखे से कोफ्ते बनेंगे। कोफ्तों को मैंने ग्रेवी में डाल दिया है। अभी क्या करेंगे, एक मिक्स दे देंगे ग्रेवी में, कोफ्तों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया निकल के आया है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। उसके बाद हमें कोफ्तों को इसमें पकाना है। उसके लिए 2-3 मिनट तक इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। हमें तब तक कुक करना है जब तक कि वो अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉर्ब ना कर ले। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम लोग का कोफ्ते भी ग्रेवी में अच्छे से पक चुके हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है अभी खाने के लिए, लेकिन जब हम लोग इसे थोड़े देर के लिए रख देंगे ना, ये थोड़े से गाढ़ी हो जाएगी। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गर्म करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अभी मैंने थोड़े से धनिया पत्ती इसमें छिड़क लिए हैं। तो तैयार हो चुका है हम लोग का लौकी कोफ्ता करी। दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कलर तो बहुत ही बढ़िया आया है। मैंने थोड़ी देर इसको रख दिया, आप देख सकते हैं कि इसका कंसिस्टेंसी कितना थिक हो गया है। और ये बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, जिसको आप घर पर आप ज़रूर ट्राई करें। और हम लोग का लौकी कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए और हम लोग इसे बाउल में सर्व कर लेंगे। तो बस इसको गर्मा गर्म आप परोसे, रोटी या फिर पराठा या फिर सिंपल चावल के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं, आपके लिए नए नए रेसिपीज़ को ला सकूं। और हमारे लौकी के कोफ्ते तो बन चुके हैं और मैं एक कोफ्ते को आपको कट करके दिखाती हूँ कि उसका टेक्स्चर कैसा है, कैसे ये पक के तैयार हुआ है। तो मैं एक कट करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने एक लौकी के कोफ्ते का पीस ले लिया है और उसमें थोड़ा सा ग्रेवी ले लिया है। और जब मैं इसको चम्मच इसके ऊपर रख रही हूँ तो कितनी आसानी से ये कट हो जा रहे हैं, मुझे कुछ बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रहा है इसको कट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आया हो। तो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और एक नए रेसिपी के साथ।